हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉन्सेप्ट टाइब्रेड डॉट इन देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस से एस एस सी का उसमें आ, हम आज एक और क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन भी एस एस सी ने पूछा हुआ है चार जून आ, थर्ड शिफ्ट में 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें सीजल का पेपर देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ एट हंड्रेड अ पर्सन परसन लूजेज ट्वेंटी परसेंट ऑफ एस सेलिंग प्राइस एट वट परसेंट एट वट प्राइस सॉरी एट वाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइज ठीक है मतलब कि किसी प्रोडक्ट को आठ सौ रुपये में बेचा जा रहा है तो उसके सेलिंग प्राइस पर बीस परसेंट का लॉस हो रहा है तो पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए ताकि पच्चीस परसेंट उसके कॉस्ट प्राइज़ से प्रॉफ़िट हो ठीक है तो देखिए हम पेसा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आठ सौ रुपये ठीक है और जो लॉस है वो दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट का ठीक तो पहले लॉस को रुपीज़ में निकाल लेते हैं ये जो ट्वेंटी परसेंट का लॉस हो रहा है ये आठ सौ पे ही हो रहा है तो आठ सौ का ट्वेंटी परसेंट निकालेंगे ये हो जाएगा आठ धोनी सोलह ये हो जाएगा एक सौ साठ रुपये ठीक तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो सेलिंग प्राइस है आठ तो तो और लॉस कितने का हुआ एक तो ये हो गया नौ ठीक अब देखिए लॉस हो रहा है नौ सौ का अब हमको पता करना है कि 25% परसेंट गेन होने पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा तो जो 25% परसेंट गेन हो रहा है देखिए वो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो आप कॉस्ट प्राइस का 25% परसेंट निकाल लीजिए ठीक है तो जो मतलब कॉस्ट प्राइस का जो आप पच्चीस परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा नौ सौ साठ का पच्चीस परसेंट तो ये हो जाएगा ये चार बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा दो चार ज़ीरो दो सौ चालीस ठीक है इसका मतलब कि हमको उतने दाम पे बेचना है ताकि हमको दो सौ चालीस का प्रॉफिट हो तो सिंपल था कॉस्ट प्राइस आप निकाल ही चुके हैं ये है नौ सौ साठ रुपये इसमें दो सौ चालीस जोड़ दीजिए तो नया जो सेलिंग प्राइस है वो आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस दो सौ चालीस ये हो जाएगा बारह सौ रुपये यह आपका आंसर ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू